हेलो, आई एम आरजी श्वेता और माइथोलॉजी को आम इंसान तक लाना, सिंप्लीफाई कराना और हमारे रिचुअल, हमारे कल्चर को बड़े ही सटीक तरीके से समझाना, ये बखूबी जानते हैं। वैसे इन्हें इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। देवदत्त पटनायक जी हमारे साथ। आजकल के दौर में माइथोलॉजी पढ़ना क्यों ज़रूरी है, जानना क्यों ज़रूरी है? हर दौर में ज़रूरी है, पहले भी ज़रूरी था, आज भी, क्योंकि वो ज़िंदगी के बारे में बताता है। लोग पूछते हैं, आज भी पूछते हैं, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ, दिल क्यों टूटता है, जॉब क्यों नहीं मिलता है, मेरे पिता रिच क्यों नहीं है, तो ये स्टोरीज, जितने भी प्रश्न हैं। सर, आपने 50 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं और आप रिसर्च आज भी डेफिनेटली करते हो। सर, इतना वक्त कैसे मिल जाता है, सिर्फ बिजी शेड्यूल में भी लिखने का, पढ़ने का? वक्त तो मिल ही जाता है, ये तो आसान है, इतना कोई तो। अगर आपको पसंद है काम तो मिल जाएगा टाइम। सर, योर फेवरेट माइथोलॉजी कैरेक्टर? ऑल कैरेक्टर्स, देयर इज नो स्पेसिफिक, मुझे सब कैरेक्टर्स अच्छे लगे। ऑलराइट सर, आपकी किताबों से हमें तो माइथोलॉजी का पूरा ज्ञान मिलता है, पर आपको ये ज्ञान कहाँ से मिला, मतलब आपकी ये शुरुआत कहाँ से हुई? वही पुराणों से, इतिहासों से, महाभारत, रामायण, वेद, वाल्मीकि, मार्कंडेय, ऋषियों ने कितनी किताबें लिखी हैं, उसे पढ़िए, मिल जाएगा आपको, सब गूगल में है, अगर ढूंढेंगे तो। मैं उसको अच्छे सिंप्लीफाई करके कॉमन मैन तक मिलता हूँ, लेकिन सभी शास्त्र हमारे पास हैं। रेड एफएम लिसनर्स के लिए एक मैसेज, रीड माई बुक्स।